आज मैं आपके साथ चिकन का सालन बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान और परफेक्ट तरीका शेयर करने वाली हूँ। चिकन का सालन अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन में ऑयल डालना होगा। ऑयल डालने के बाद अब इसमें दो बारीक कटे हुए आप प्याज डाल दें। प्याज को 2 से 3 मिनट तक इसमें पकाना होगा, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जब आप प्याज का कलर चेंज कर देंगे आपके चिकन के सालन अच्छा कलर आ जाएगा। अब 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। 5 मिनट के बाद इसके कवर को मैंने हटा दिया है। अब मैं इसमें कुछ साबित गरम मसाला डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो जाए। चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। जब इस तरह प्याज का कलर हो जाए तब आप इसमें चिकन डाल दें। चिकन की भुनाई जब आप अच्छी करेंगे तब आपका सालन मज़ेदार बनकर तैयार होगा। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकाना होगा। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को आप छोटी कटिंग करिएगा। अब इसको मिक्स करना होगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ ताकि चिकन भी काफ़ी हद तक गलना शुरू हो जाएगा। इसमें 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे और इसे मिक्स कर दूंगी। जिस तरह मैं चिकन के सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इसी तरह इसको बनाइएगा। अब इसमें मैं हसबे ज़रूरत नमक डाल दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी का पाउडर इसमें आप डाल दें और इसे मिक्स कर दें। घर में कम स्पाइसेस से बनने वाला चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे 5 मिनट के लिए फिर से मैं कवर कर दूंगी। अब आपको इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी होगी ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल आएगा और सालन परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट में इस तरह चिकन का सालन बनाया जाता है जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल दूंगी और 1 टीस्पून इसमें जीरा का पाउडर या गरम मसाला का पाउडर आप डाल सकते हैं और इसे आप मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। अब इसमें 1 कप जितनी मैं दही डाल दूंगी। दही को पहले अच्छी तरीके से फेंटना होगा। जब भी आप इसमें दही का इस्तेमाल करें तो इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे मिक्स कर दें। चिकन के सालन में ग्रेवी ज़्यादा बनाई जाती है तो आप इस पर अपने हिसाब से पानी डालिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। और इसे मिक्स करने के बाद 1 कप जितना मैं पानी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगी। और इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने कवर कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1 कप जितना। सबके घर में चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है तो आज मैं आपके साथ ये परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए आप कवर कर दें। मज़ेदार चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। और इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ ताकि इसका फाइनल लुक आपको दिखा सकूँ। चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये सालन बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की ज़्यादा परफेक्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप इसे चपाती, नान या चावल के साथ खा सकते हैं। सबके घर में बनने वाला मज़ेदार चिकन का सालन जो मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है, इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। जब मैंने इसे ट्राई किया तो घर में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। यह सालन परफेक्ट और मज़ेदार सालन की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी किस तरह बनकर तैयार हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।